एक अच्छा दमदार प्रोडक्ट होने वाला है, स्पेशली धीरे धीरे करके टाटा नेक्सॉन में भी आ जाएगा, उसके बाद फिर अल्ट्रोज में भी आ जाएगा, मतलब टोटल टाटा की गाड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है, नेक्सॉन का जल्द फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में आने वाला है और वो बहुत एक बड़ा मेजर लॉन्च होने वाला है टाटा की तरफ से। बट टाटा जो है हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है बिकॉज ऑफ लॉन्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिशन। ऐसा ही आज एक एडिशन नेक्सॉन ईवी मैक्स में शामिल कर दिया गया है, टाटा का सिग्नेचर बेहतरीन अट्रैक्टिव और जिसे हम सब पसंद करते हैं, वो कौन सा, डार्क एडिशन। 19.06 लाख में एक्स शोरूम प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। क्या क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलता है अगर रेगुलर टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स से अगर कंपेयर करें, और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं, इसमें बहुत ऐसे चेंज किए गए हैं जिससे आपका दिल खुश होने वाला है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, जब शोरूम पे जाएंगे तो अच्छे से वीडियो बनाएंगे जब गाड़ी आ जाएगी। करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप जानते हैं डार्क थीम है तो पूरा जो ओवरऑल एक्सटीरियर का बॉडी कलर है वो ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से, तो आपको वैसा ही सेम टू सेम लुक मिलता है जैसा रेगुलर नेक्सॉन ईवी मैक्स में देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे जो ब्लू इंसर्ट है वो भरपूर देखने के लिए मिलते हैं। ईवी की बैजिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में ब्लू कलर में। फॉग लैम्प की हाउसिंग में जो आपको इंसर्ट मिलते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं ब्लू में, और नीचे वाली जो ग्रिल है ट्राई एरो वहाँ पे भी आपको ब्लू इंसर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, वही जैसा पियानो ब्लैक आपको सॉलिड फेस मिलता था सामने का वैसा ही देखने के लिए मिलता है। विंडस्क्रीन में रेन सेंसिंग वाइपर ऑटो हेडलैम्प का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, वही अग्रेसिव लुक नेक्सॉन का बरकरार है। साइड में चलते हैं तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो क्या क्या है। हैशटैग डार्क की बैजिंग तो ऑब्वियसली फेंडर में देखने के लिए मिल जाती है बिकॉज डार्क एडिशन है। अलॉय व्हील चारकोल कलर के दिए गए हैं 16 इंच में, थोड़े से डिज़ाइन में ट्विक्स दिए गए हैं, ट्रायंगल वो जो है एक डिज़ाइन होता है वो यहाँ पे दिया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ईवी की बैजिंग दरवाजे पे देखने के लिए मिल जाती है और रेस्ट पूरा थीम जो है वो ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ चलते हैं, जिप्ट्रॉन की बैजिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, ईवी की अगेन बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा वैसी ही लाइट, रिवर्स पार्किंग सेंसर सब कुछ सेम टू सेम, एक्स फैक्टर देखने के लिए मिलता है, शार्क फिन एंटीना, स्पॉयलर, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। बाहर की बात ही होगी, मेन चेंज कहाँ है, इंटीरियर में। पियानो ब्लैक के साथ में डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, डार्क ग्रे फिनिश के साथ में पूरा जो ओवरऑल थीम है, चाहे सीट्स की बात कर लो पूरी लेदरेट की दी है ब्लैक कलर की वेंटिलेटेड। कोई भी चेंज इंस्ट्रूमेंट पैनल में एज सच आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मेन चेंज आपको सेंटर में इंस्ट्रूमेंट पैनल के बगल में मिलेगा। क्या, एक तो ब्लू इंसर्ट मिलते हैं एसी और अपने बाइनिकल जो इंस्ट्रूमेंट पैनल के दे रहते हैं उसमें, और यहाँ पे अब आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में, जैसा आपको टाटा सफारी और हैरियर में देखने के लिए मिल गया था। धीरे धीरे करके टाटा नेक्सॉन में भी आ जाएगा, उसके बाद फिर अल्ट्रोज में भी आ जाएगा, मतलब टोटल टाटा की गाड़ी अब यही वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम कैरी करने वाली है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ये अलग से लग जाता है, तो भैया अलग से नहीं लगता है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। टेक्निकलिटीज़ में आ जाते हैं तो भैया 453 किलोमीटर्स का रेंज है, 40.5 किलोवाट आर का बैटरी पैक है, 143 पीएस की पावर और कुछ 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट ये गाड़ी कर देती है। 56 मिनट में ये 0 to 100% फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो जाती है और सारी चीज़ें बाकी सेम टू सेम है। कुछ चेंजेस हैं वो मैंने आपको जिक्र कर दिए। एक अच्छा दमदार प्रोडक्ट होने वाला है, स्पेशली जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे बदल दिया गया है और उसमें जो हाई डेफिनेशन रियर व्यू कैमरा है लिटरली खतरनाक, और आपको वॉइस कमांड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारी 6 different लैंग्वेज हैं और 180+ वॉइस कमांड्स हैं। इसके अलावा आपको जी कनेक्ट ऐप से आप इसमें चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी मिलती है और आप चार्जिंग स्टेशन भी लोकेट कर सकते हो। तो भैया ये था पूरा आपके लिए जिक्र, यहाँ पे मैंने कर दिया ईवी मैक्स डार्क एडिशन का।
19.06 लाख जो है स्टार्टिंग प्राइस है। इसके अलावा आपको इसके ऊपर और भी वेरिएंट मिलते हैं, एग्जेट प्लस लक्स वगैरह। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।